नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है, तो आप लोग इस टेस्ट को देखिए। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, 100 पॉलिटी के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। बाकी मैं बता दूँ कि सुबह 11 बजे अगर जो आप देख रहे हैं तो मेरे लाइव चैट में उत्तर दीजिए, अगर जो आप बाद में देख रहे हैं तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर देके बताइएगा। कि अंत में हमें आप ये जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। बाकी आप अगर जो इस चैनल को सहयोग करना चाहते हैं तो आप जहाँ पर आप सब्सक्राइब का बटन देखते हैं वहीं पर ज्वाइन का बटन है, वहाँ पर आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस ज्वाइन करने का फ़ायदा मैं बता दूँ, ज्वाइन करेंगे तो फ़ायदा ये कि PDF आपको मिल जाएगी और PDF के साथ साथ आपको उसमें आंसर की वगैरह भी मिल जाएगी। और साथ साथ मैं बता दूँ कि और भी कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, बाद में आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी जो वीडियो है वो तो आपको मिल ही रही है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक से शुरुआत करते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर एक का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर एक का जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर एक का जो है वो ए सही है, भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरा क्वेश्चन है नीति निदेशक तत्व तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये आप बताइए। क्वेश्चन नंबर दो का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर दो का जो है वो बी सही हो जाएगा, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर दो का जो है वो बी सही है, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर तीन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? देखिए शुरुआत के सभी आसान आसान क्वेश्चन डाले गए, आप लोग करिए इनको। बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में कितने बार में के न्याय की बात की गई है? तीन तरीके के न्याय की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ आएंगे। शिक्षा एक विधि के रूप में सम्मिलित है, तो शिक्षा किस में सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर पाँच का उत्तर दिए, किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है वो क्वेश्चन नंबर पाँच का जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय। और न्याय आप जान रहे हैं, तीन तरीके के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की उसमें बात की। क्वेश्चन नंबर सात की तरफ हम छः की तरफ आएंगे। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर छः का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर छः का ए सही हो जाएगा, आर्टिकल 27 की तरफ आएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? क्वेश्चन नंबर सात का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सात का जो है वो बी सही हो जाएगा, आर्टिकल 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतर्गत किस एक की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन नंबर आठ का बी सही है, आकस्मिक निधि। नौ की तरफ आएंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर नौ का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नौ का सी सही हो जाएगा, चौथी। 10 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है?
कृषि कृषि जो है वो राज्य सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 11 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ग्यारह का सी शिक्षा। 12 की तरफ आएंगे, छठी अनुसूची में के उपबंध निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? देखिए उसमें असम है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है, मणिपुर नहीं है। तो क्वेश्चन 12 का जो है वो डी सही हो जाएगा, मणिपुर। 13 की तरफ आएंगे, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन की विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? गठन का विचार है, याद रखिए, गठन का विचार भारत के संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही हो जाएगा, भाग चार। भाग चार नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 में, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 14 की तरफ आएंगे, बंबई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिए। उन्नीस सही हो जाएगा। 15 की तरफ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? ग्यारह सही हो जाएगा। 16 की तरफ आएंगे, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? डी सही हो जाएगा, आर्टिकल 22। 17 की तरफ आएंगे, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। 18 की तरफ आएंगे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? प्रबंधन में भागीदारी, आर्टिकल 43 है, कुटीर उद्योग वगैरह जानते हैं ना। 19 की तरफ आएंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? भाग चार, आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 है ना इसका क्वेश्चन, 19 का जो है वो बी सही हो जाएगा, भाग चार, तो आर्टिकल 51 में है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ब्रिटेन को। संसदात्मक सरकार निम्न में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? राजनीतिक दल सही हो जाएगा। 22 की तरफ आएंगे, किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा? केसी वीर ने। भारत की संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो ए सही होगा। अब जान रहे हैं कि यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र को दे दी गई, कि कनाडा की नकल करते हुए
और चूंकि कनाडा में क्या है कि यहाँ पे भी जैसे देखेंगे तो केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है जैसे कनाडा में है, लेकिन यूएसए वगैरह में जैसे आप जान रहे हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो राज्यों को दे दी गई हैं, लेकिन भारत में जो ये व्यवस्था ली गई है वो कनाडा से ली गई। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो ए सही है, कनाडा 23 का ए सही हो जाएगा कनाडा। 24 की तरफ आएंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकार में मंत्रियों की संख्या कम करने का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 24 का उत्तर दीजिए। नाइन्टी वनवा संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा, क्योंकि इसके तहत यह किया गया था कि लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती मंत्रियों की संख्या। 25 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सी समिति वे में किफायत के लिए सुझाव देती है? क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिए। प्राकलन समिति। प्रतिपक्ष त्याग कानून रखा गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर दीजिए। प्रतिपक्ष त्याग मतलब दल बदल, दल बदल किस है अनुच्छेद में है तो मतलब किस अनुसूची में है तो 10वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है वो डी सही हो जाएगा। 27 की तरफ आएंगे, संसद में बजट पेश करते हुए कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? वित्त मंत्री। 28 की तरफ आएंगे, निम्न में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान की थी? मंडल है, मंडल नहीं। 29 सही हो जाएगा। 29 की तरफ आएंगे, भारत में मृदु राज्य, भारत को के मृदु राज्य किसने बताया? 29 का उत्तर दीजिए। तो 29 का जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, गुन्नार मिल्डन। 30 की तरफ आएंगे, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों का कालानुक्रम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मोरारजी देसाई आए थे, उसके बाद वीपी सिंह आए थे, उसके बाद में चंद्रशेखर आए थे। तो 2-1-3, तो 2-1-3 का मतलब 30 का जो है वो ए सही हो जाएगा। 31 की तरफ आएंगे, दलित पैंथर मूवमेंट मूवमेंट है देखिए मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था? महाराष्ट्र में। 32 की तरफ आएंगे, भारत में आकस्मिक निधि किसके अधिकार में रखी गई है? राष्ट्रपति। 33 की तरफ आएंगे, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? ये हिस्ट्री का भी है और पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, दोनों का है, उत्तर दीजिए आप लोग। तैतीस का ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 34 की तरफ आएंगे, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई? अठारह सौ तैतीस के अधिनियम के तहत। 35 की तरफ आएंगे, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? अठारह सौ इकसठ के अधिनियम के तहत। 36 की तरफ आएंगे, 1861 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। 37 की तरफ हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? आर्टिकल मतलब क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर दीजिए।
क्वेश्चन में 37 का सही हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सही हो जाएगा। 38 का उत्तर दीजिए, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। अड़तीस का भी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। 39 की तरफ आएंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक निर्वाचन के लिए मंडल की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है कहाँ से ली गई बताइए? आयरलैंड से। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? पट्टिका भी है 25। 41 की तरफ आएंगे, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? क्यूरेटिव पिटिशन आप समझ लीजिए, सुधारात्मक याचिका बोलते हैं। 41 का उत्तर दीजिए, 41 का सी सही हो जाएगा, आर्टिकल 142। 42 की तरफ आएंगे, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तिरालीस की तरफ आएंगे, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? 171। 44 की तरफ आएंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया है? राज्य की राजभाषा 345। 45 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करे? थोड़ा तेज़ हो रहा है क्योंकि ज़्यादा धीरे धीरे बोलेंगे ना तो फिर टेस्ट बहुत ही लंबा खिंच जाएगा और मैं चाहता ना हूँ कि बहुत लंबा टेस्ट हो। 45 का जो सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, आर्टिकल 340। सभी लोग उत्तर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। 46 की तरफ आएंगे, संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976। 47 की तरफ आएंगे, फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है बताइए? पढ़िए ढंग से सभी ऑप्शन फिर उत्तर दीजिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए लेकिन फिर भी उत्तर दीजिए सब लोग। 47 का सी, संसद या विधानसभा के एक दल के सदस्य का दूसरे दल में सम्मिलित हो जाना फ्लोर क्रॉसिंग कहलाता है। 48 की तरफ आएंगे, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993। 49 की तरफ आएंगे, पंचायतों में अध्यक्ष पद के आरक्षण का आधार है? लिंगवा जाति, आप जानते नहीं, महिला सदस्य के लिए आरक्षित होती है और जाति के आधार पर OBC, SC, ST ये सब आरक्षित होती हैं, तो इस वजह से होता है। 49 का जो है वो डी सही हो जाएगा, लिंग और जाति के आधार पर। 50 की तरफ आएंगे, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत चुनाव होंगे? 1 बाकी ऐसा नहीं कि बहुत टफ आएंगे लेकिन हाँ एक लेवल के क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं।
6 माह। 50 का डी। 51 की तरफ आएंगे। 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तकनीकी सहायता किसके द्वारा प्राप्त हुई थी या किससे प्राप्त हुई थी? यूएसए के द्वारा। 52 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव पार्टी लाइन पर तय किए जाएं? पार्टी लाइन का मतलब राजनीतिक पार्टियों के आधार पर किया जाए। अशोक मेहता समिति। 53 की तरफ आएंगे। स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? 53 का उत्तर दीजिए। संविधान द्वारा होती हैं। 54 की तरफ आएंगे। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। देखिए, पंचायतों के इतने क्वेश्चन इसलिए दें क्योंकि आप देखेंगे यूपी में भी हाल ही में आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव हुए हैं, तो आने वाले समय में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पंचायत चुनाव से रिलेटेड। तो ज़रूरी यही कि आप लोग पंचायत चुनाव से संबंधित क्वेश्चनों को तैयार करें, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। पंचायत चुनाव से रिलेटेड आपको प्रश्न मिलने वाले हैं परीक्षाओं में। तो आर्टिकल 53 का जो है वो डी सही हो जाएगा। और 54 की तरफ आएंगे। पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है तो वो खंड स्तर पर गठित होती है। 54 का जो है वो आप देखेंगे वो बी सही हो जाएगा। 55 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस रिट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के द्वारा सक्षम नहीं है? मतलब ऐसा करने से रोका जा सकता है। ऐसा करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है। आर्टिकल 55 का उत्तर दीजिए। तो अधिकार प्रच्छा हो जाएगा। मतलब किस अधिकार से वहाँ पर आप हैं, आप जबकि आप इसके लिए सक्षम नहीं हैं, तो अधिकार प्रच्छा हो जाएगा। 55 का बी सही हो जाएगा। 56 की तरफ आएंगे। उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आर्टिकल 55 का उत्तर दीजिए। आप लोग 131 अर्थात जब हम बात करेंगे आर्टिकल 131 सही हो जाएगा। 56 का जो है वो ए सही है। 57 की तरफ आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है किसको पत्र लिखकर? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है या त्याग पद त्याग सकता है? सी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। 58 की तरफ आएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 58 का उत्तर दीजिए। 294 है, इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे चुनाव हुए हैं। एक तरफ राज दिया गया, दूसरी तरफ राज्यपाल दिया गया, आप बताइए कौन सम्मिलित नहीं है? देख कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें जब हम देखेंगे तो असम में जब आप देखेंगे तो भगत सिंह केसरी नहीं है वहाँ पर। जब असम की जब हम बात करेंगे तो असम में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश मुखी, और भगत सिंह केसरी जो है वो महाराष्ट्र में हैं। तो 59 का जो है वो ए सही हो जाएगा। 60 की तरफ आएंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 161 की तरफ आएंगे। राज्यों में निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं किसको?
राज्यों में निर्वाचन आयोग। राज्यपाल को 62 की तरफ आएंगे, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? का जो है वो सी सही हो जाएगा। 63 की तरफ आएंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? 1 ही बार हुआ था, 42वें संविधान संशोधन में, आप जान रहे हैं। 64 की तरफ आएंगे, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? तो जब हम बात करेंगे 64 की, तो 64 का जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा सी। 64 का कौन सा सही है? सी सही है, दल बदल, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार थी, 85 के आसपास की बात है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल संबंधित है। 65 की तरफ आएंगे, शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया कब? बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अब नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियां और विशेषाधिकार को समाप्त किया गया? डी, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 26वें के तहत किया गया था। 66 का डी सही है। 67 की तरफ आएंगे, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत, चयनित, क्या होते हैं बताइए। अब जानते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करते हैं। 67 का जो है वो ए सही है। 68 की तरफ आएंगे, कौन सम्मिलित नहीं राज्य दिए गए, राज्यसभा की सीटें दी गई हैं, इनका आप उत्तर दीजिए। चूँकि आप जान रहे हैं पश्चिम बंगाल, असम, केरल, इन सब जगहों पे चुनाव हुए, इस वजह से इनके हम हमने आपको दे दिए, तो उत्तर प्रदेश के तो आप जानते ही होंगे। 68 का उत्तर दीजिए। देखिए असम की जब बात करेंगे यहाँ पर 8 नहीं है, 7 हैं, बाकी के सभी सुमेलित हैं, तो जो 68 का जो है वो सही हो जाएगा असम। 69 की तरफ आएंगे, धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा इसमें संशोधन की सिफारिश नहीं कर सकता है। दूसरा है, इसका आरंभ लोकसभा से होता है। 69 का उत्तर दीजिए। देखिए 69 का पहला वाला गलत है, राज्यसभा इसमें संशोधन की सिफारिश कर सकता है, ऐसा माने न माने लोकसभा के ऊपर है, लेकिन सिफारिश कर सकता है, और इसका आरंभ लोकसभा से होता है, ये सही है। तो 69 का जो सही हो जाएगा, कौन सा सही है, तो ये बी वाला सही है। 70 की तरफ आएंगे, वर्तमान में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या किस एक की जनगणना पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर दीजिए। उन्नीस सौ 71 की जनगणना पर आधारित है। 70 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 71 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे। 72 की तरफ आएंगे, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे कौन?
72 का ए सही हो जाएगा वी वी गिरी। 73 की तरफ आएंगे, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? 73 का उत्तर दीजिए। सेवेंटी एट का बी या 78 खा कह लीजिए, 78 का सेक्शन बी कह सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। 73 का जो है वो डी सही हो जाएगा, 78 खा। 74 की तरफ आएंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? सेवेंटी फोर का सी सही, आर्टिकल 53। 75 की तरफ आएंगे, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? सेवेंटी फाइव का बी सही है, 5। 76 की तरफ आएंगे, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपाध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू थे। 77 की तरफ आएंगे, भारतीय संविधान को बनाने हैं तो भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? बारह अधिवेशन। 78 की तरफ आएंगे, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिनों तक अवधि से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है, मतलब कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है एक बार में? 6 सप्ताह, क्योंकि अब जान रहे अधिवेशन शुरू होगा तो 1.5 महीने के अंदर उसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य हो जाता है, और बाकी अब जान रहे हैं कि दो अधिवेशनों के बीच की जो ड्यूरेशन अधिकतम 6 महीने, ज़्यादा हो नहीं सकती है, तो जो एक अध्यादेश है वो अधिकतम 7.5 माह तक रह सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि अधिवेशन प्रारंभ हो चुका है तो 6 सप्ताह और, मतलब कि 1.5 महीने के आसपास और समय रहता है, तो 78 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 79 की तरफ आएंगे, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? राज्य की विधायिका से, तो जो कोई अध्यादेश वगैरह जारी करेगा राज्यपाल तो उसको राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। 80 की तरफ आएंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है कितने दिनों तक? तीन माह। 81 की तरफ आएंगे, भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। 82 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है बताइए? संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करता है। देखिए, जब हम इसमें देखेंगे, पहला वाला तो सही है कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं। दूसरा है कि अगर जो अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा लोकसभा का, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तब राज्यसभा का उपसभापति करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो है वो कौन सा सही है, तो केवल एक वाला सही, पहला सही, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति नहीं करेगा, पहले करेगा उपाध्यक्ष, अगर वो भी नहीं है तब ये करेगा। 83 की तरफ आएंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है?
आर्टिकल 110 में दी गई है। 84 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। धन विधेयक को केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा है, धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। पुनः का मतलब पुनः नहीं है, पूरा है, मतलब वहीं पे पहले। एट्टी फोर का जब हम देखेंगे तो सी वाला सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। 85 की तरफ आएंगे, जब किसी प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है, ऐसे कटौती प्रस्तावों को क्या कहते हैं। कंगारू कटौती कहते हैं। ये पढ़िएगा, कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत ये चारों प्रस्ताव हैं, साधारण, घटकों में कटौती, गिलेटिन, कंगारू, सब उसी में आप लोग पढ़िएगा इसको। 86 की तरफ आएंगे, निम्न में से किसने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा। 86 का उत्तर दीजिए। एट्टी सिक्स का भी आइवर जेनिंग्स। 87 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है। विपक्ष के नेता को मान्यता 1965 में मिली थी। विपक्ष का नेता कैबिनेट के मंत्री स्तर का होता है। विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के स्तर का होता है। क्वेश्चन नंबर 87 का उत्तर दीजिए। देखिए, विपक्ष के नेता को मान्यता 1965 में मिली थी, ये भी सही है। और दूसरा है कि विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री स्तर का होता है, ये भी सही है। तो 87 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। 88 की तरफ आएंगे, मनरेगा को किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया था। 88 का उत्तर दीजिए। एट्टी एट का ए अनुच्छेद 43 सही हो जाएगा। 89 की तरफ आएंगे, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिए, इसमें ऑप्शन जो है वो गलत लिख गए हैं, तो इसके यहाँ पर आप इसको थोड़ा संशोधित कर लीजिएगा। आर्टिकल 89 में जब हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है वो ये गलत लिख गया है, उसको आप मैं कट के दे रहा हूँ। यहाँ पर आर्टिकल जो इसका उत्तर सही हो जाएगा 44 सही हो जाएगा, आप लोग इसको संशोधित कर लीजिएगा। आर्टिकल 44 इसका आंसर सही है। 90 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण को निषेध करता है। तो बच्चों के शोषण का निषेध कौन सा आर्टिकल करता है, बताइए। 90 का उत्तर दीजिए। आर्टिकल 24 सही हो जाएगा। 91 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है। संसद सदन का स्थगन सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, ना कि सत्र को। दूसरा है, संसद सदन का स्थगन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 91 का उत्तर दीजिए।
देखिए, संसद सदन का स्थगन सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, ना कि सत्र को। तो देखिए, ये वाला जो सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है। दूसरा, संसद सदन का स्थगन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो देखिए, स्थगन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, यहाँ का जो पीठासीन अधिकारी होगा वही इसको करता है। मतलब ये लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है या राज्यसभा का सभापति, उपसभापति वगैरह, यही करते हैं। स्थगन किसी भी तरीके से राष्ट्रपति नहीं करता। 91 का जो है वो ए सही हो जाएगा, केवल एक। 92 की तरफ आएंगे, लोकसभा के विघटन के पश्चात पहले से लंबित विधेयकों की स्थिति में कौन सा कथन सही है? पढ़िए और उत्तर दीजिए। देखिए, पहला वाला ये देखते हैं। पहला देखिए दिया हुआ है कि दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित हो किंतु राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन और समाप्त हो जाते हैं, तो गलत है। क्योंकि लोकसभा राज्यसभा जब पारित कर ही चुकी है, तो लोकसभा विघटित हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रपति के विचाराधीन है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, तो समाप्त नहीं होता है। दूसरा ये इसमें तथ्य देखते हैं। दूसरा इसमें कह रहा है कि ऐसे विधेयक जो राज्यसभा द्वारा विचाराधीन और लोकसभा में पारित ना हो समाप्त हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। क्योंकि देखिए, अभी जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, कोई विधेयक लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा, तो अभी अभी चूंकि विधेयक सिर्फ राज्यसभा में आया है, लोकसभा में आया ही नहीं, तो ये विघटित हो भी जाए तो इस विधेयक के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? राज्यसभा पारित कर भी देगी, उसके बाद में जब नई गठित होगी लोकसभा तो उसमें आ जाएगा। 92 का जो है वो डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 93 की तरफ आएंगे, राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द कब अपनाया गया था? उन्नीस सौ चौवन में। 94 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वो राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए? आर्टिकल 275, जान ही रहे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 95 की तरफ आएंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के पश्चात अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का निलंबन स्वतः हो जाता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो आर्टिकल 359 के तहत जो है वो सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति करता है, मौलिक अधिकारों 20-21 को छोड़ करके। तो अब जब सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, लेकिन उसमें एक लाइन कही गई है कि इसमें देखिए आर्टिकल 19 का निलंबन नहीं करता है, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है वो देखिए आर्टिकल 359 के तहत जब आप राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति जो है वो मौलिक अधिकारों का निलंबन करता है, लेकिन उसमें एक बात और कही गई है कि 19 को छोड़कर 19 जो होता है वो स्वतः निलंबित हो जाता है, उसको राष्ट्रपति निलंबित नहीं करता है। तो आखिर वो स्वतः कैसे निलंबित होता है, उसमें एक बात की गई है आर्टिकल 358 को जब उसको पढ़ेंगे, तो उसमें कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो आर्टिकल 19 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का निलंबन अपने आप ही हो जाता है, उसको राष्ट्रपति करता भी नहीं, वो पहले ही निलंबित हो जाता है। इसका अनुच्छेद मतलब इसका जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है वो ऐसे तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान 359 में है, लेकिन 19 का जो किया गया है वो 358 में है। 95 का जो है वो बी सही है। 96 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 352 में है। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल में किए गए विधायी तथा कार्यकारी निर्णयों को आपातकाल के बाद न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 90 मतलब क्वेश्चन नंबर 96 का उत्तर दीजिए। चुनौती दी जा सकती है, हाँ, क्वेश्चन बताइए जो लिखा हुआ उसको ध्यान दीजिएगा कि लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल में किए गए विधायी तथा कार्यकारी निर्णयों के आपातकाल के बाद न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो देखिए सर, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 352 में है, तो ये बात सही है। दूसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल में
किए गए विधायी तथा कार्यकारी निर्णयों को आपातकाल के बाद न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो ये गलत है। बाद में चुनौती इसके नहीं दी जा सकती है, ये सही हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि मान लीजिए किसी वर्ष, मान लीजिए हमने 2000 ले लिया, 2000 मान लीजिए को आपातकाल लगा और 2001 में मान लीजिए हट गया, तो सरकार ने जो 2000 में फैसला लिया है उसको चुनौती 2001 में आप नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझिएगा 96 का जो है वो ए सही है केवल एक। 97 की तरफ आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिषदों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? में 98 की तरफ आएंगे, पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? मदन मोहन पुंछी आयोग। पुंछी आयोग 2007 का है, 98 का जो है वो सही सही हो जाएगा। 99 की तरफ आएंगे, निम्न में से किन दो राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या 28 है? तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश और कर्नाटक, दोनों की संख्या सेम है, ये सही हो जाएगा ए। 100 की तरफ आएंगे, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा के दो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन के हिसाब से, बाकी हर जगह एक एक हैं और दिए गए ऑप्शन में कहां पर दो निर्वाचित होते हैं। हंड्रेड का है त्रिपुरा, त्रिपुरा में दो है, बाकी जैसे मिजोरम नागालैंड सिक्किम में एक एक है। तो आज का टेस्ट फिलहाल यहीं पर ख़त्म हुआ। इस टेस्ट में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए ये हमें जरूर बताएगा, टोटल आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं तो ये हमें आप जरूर बताएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, एक टेस्ट आने वाला है, जल्द ही आपके सामने आएगा, वो हम ले करके आने वाले हैं आपके लिए, इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के टेस्ट जो है वो नेक्स्ट टेस्ट आने वाला इकोनॉमिक्स का होगा, काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन उसमें किया गया है। और जल्द ही हम आपके लिए जो कह सकते हैं 50 UP स्पेशल के लेकर के आने वाले क्वेश्चन जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको लेकर के हम आएंगे। बाकी मैंने बताया था जल्दी कि हम लेकर के आने वाले हैं एक काफ़ी एक अच्छी श्रृंखला है, वो करंट अफेयर की। करंट अफेयर की जो श्रृंखला है वो हम लेकर के आएंगे, उसकी शुरुआत हम करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर आएगा, उसकी शुरुआत जो होगी वो 1 जून से होगी, 1 जून से 7 जून और 7 जून इस तरीके से जल्द ही जल्द उसके वीडियो आने वाले। तो साप्ताहिक करंट अफेयर जल्द ही शुरू होने वाला है, उसके लिए आप देखिएगा। और 50 UP स्पेशल के क्वेश्चन आने वाले हैं, बाकी जैसे इतिहास वगैरह चल रहा है और बाकी जो वीडियो वगैरह आने वो सब आते रहेंगे, उनको आप देखते रहिए। बाकी फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक टिके रहने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।